स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम EL306 के अंदर एक टॉपिक है स्कीम एंड सिस्टमेटिक बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट, इसके बारे में पूर्ण रीड करेंगे। स्कीम एंड सिस्टमेटिक बॉडी टेम्परेचर को मैं अलग अलग वे में बताऊंगा कि स्कीम टेम्परेचर क्या होता है, उसके अपने बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, देन उसके सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीजें टेम्परेचर से रिलेटेड होंगी। टेम्परेचर के डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट होंगे लाइक कैलोरीमीटर, मेट्रिक मेजरमेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपन सिस्टमेटिक इनकी बात करेंगे कि किसी भी बॉडी में टेम्परेचर कैसे अपन मेजर करते हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक है स्किन एंड सिस्टमेटिक बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स समझने से पहले अपन उसके बारे में बेसिक समझेंगे कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन बोले तो इसका मतलब ये होता है कि स्किन टेम्परेचर क्या होता है एंड सिस्टमेटिक बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि स्किन टेम्परेचर से मतलब क्या होता है, देन अपन उसके बेसिक फ्लो डायग्राम समझेंगे, इसका कंक्लूजन क्या होता है, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस यूज होती हैं। तो वन बाय वन अपन बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हुए हर एक टॉपिक को अपन कवर करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कि इसकी मेजरमेंट ही क्यों यूज करते हैं, उसका अपने पूरी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर मेजरमेंट करते टाइम। ठीक है, तो स्किन टेम्परेचर क्या होता है, तो देखो स्किन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटमोस्ट सरफेस ऑफ द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी का जो आउटमोस्ट सरफेस होता है उसका जो अपन टेम्परेचर मेजर करते हैं उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, स्किन टेम्परेचर बोलेंगे। नाम से ही पता लग रहा है कि स्किन टेम्परेचर जो भी अपनी बॉडी का पार्ट होगा उस बॉडी के ऊपर जो आउटर मोस्ट सरफेस होगी, जो भी अपने आउटर मोस्ट सरफेस का जो पार्ट होता है उस पर्टिकुलर सरफेस का जो भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनसे जो टेम्परेचर एसोसिएट होता है स्किन से रिलेटेड होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, स्किन टेम्परेचर बोलेंगे। तो स्किन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटमोस्ट सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी का जो सरफेस का आउटमोस्ट पार्ट होता है उसको मेजर करने के लिए जो टेम्परेचर यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, स्किन टेम्परेचर बोलेंगे। राइट, देन फिर मैं बोल रहा हूँ कि अपने जो वुमेन बॉडी होती है उसके लिए जो स्किन टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है कितना, वो वेरी करता है अपना 30.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक 36.9 डिग्री सेल्सियस तक। जो अपनी बॉडी जो अपन नॉर्मल इंसान होते हैं या वुमेन होते हैं उनका जो अपन स्किन टेम्परेचर मेजर करते हैं या तो अपन किसी भी अपने पास कोई भी टेक्निकों को यूज करने के लिए कि टेम्परेचर कितना आएगा या फिर अपन अप्रोक्सीमेटली वेरी करता है कितना, इस पॉइंट पर आएगा मेनी टाइम्स आपके सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने लगे। तो आपको ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अपना जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होता है उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 33.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 36.9 डिग्री सेल्सियस, दोनों बीच डिफरेंस कितना है, ओनली 3 डिग्री सेल्सियस का। तो आपको ये वेरी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वेरी कर रहा है, जरूरी नहीं कि 33.5 डिग्री सेल्सियस ही हो, 34 भी स्टार्ट हो सकता है, और ये 36.9 है तो 36.9 की जगह 36.5 भी हो सकता है, 36.2 भी हो सकता है, बस इन दोनों के बीच की जो रेंज होगी उसके बीच में वेरी करेगा। तो स्किन टेम्परेचर हमेशा जो हमारी बॉडी होती है उसका जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और अपने जो वुमेन बॉडी होती है उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 33.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 36.9 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन अपन बेसिक यूज कर रहे हैं कि जो अपन स्किन टेम्परेचर को यूज करने के लिए अपने पास तीन पैरामीटर यूज होते हैं, कौन कौन से, जैसे अपन टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तो टेम्परेचर मेजरमेंट किसका कर रहे हैं, बॉडी एज वेल एज स्किन का। तो स्किन के जो अपना टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए तीन मेथड होते हैं, तीन पर्टिकुलर प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से, पहला है प्रोटेक्शन कि अपन क्या प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसका रेगुलेशन जो अपन प्रोटेक्शन टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको अपन रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, देन अपना सेंसेशन क्या होता है। इन दोनों मेथड को यूज करने के बाद अपनी बॉडी पे किस प्रकार से अपनी बॉडी सेंस कर रही है, तो क्योंकि स्किन की बात है बॉडी स्किन से कोरिलेटेड होती है, स्किन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपने पास थ्री बेसिक फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, प्रोटेक्शन हुआ, रेगुलेशन हुआ, सेंसेशन हुआ, कि कितना प्रोटेक्ट कर पा रहा है अपनी बॉडी को, कितना वो झेल पा रहा है, देन उसका रेगुलेट कैसे कर पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, देन इन दोनों मेथड को अप्लाई करने के बाद प्रोटेक्शन एज वेल एज रेगुलेशन अपन यूज करेंगे, सेंसेशन कि उस बॉडी कितना सेंस कर रही है, कितना एब्जॉर्ब कर रही है, जो अपन स्किन बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसके तीन फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन एंड लास्ट वन सेंसेशन। राइट, देन इंटरेक्शन बिटवीन स्किन एंड सिस्टमेटिक बॉडी टेम्परेचर अकर कॉन्स्टेंटली, मतलब जो अपना स्किन होती है और जो अपनी बॉडी होती है उसके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है वो कॉन्स्टेंटली अकर करता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल फास्ट वे में अकर कर जाएगा, बिल्कुल कॉन्स्टेंट रूप में एक रिलेशनशिप होता है अपनी बॉडी स्किन के टेम्परेचर में और बॉडी के टेम्परेचर में। देन उसके लिए अपन कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस
अपनी बॉडी पे क्या हो रहा है वो अपन इस मेथड के अंदर समझ रहे हैं कि जो भी अपना स्किन और सिस्टमेटिक बॉडी टेम्परेचर होगा उसको अपन मेडिकल से रिलेटेड करके दे सकते हैं या फिर साइकोलॉजिकल जो इसके सिग्निफिकेंस होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। अल्टीमेटली अपन इस मेथड से अपन क्या समझ रहे हैं कि जो भी अपन बॉडी या स्किन के टेम्परेचर के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं उन पर्टिकुलर जो मेथड यूज कर रहे हैं या पर्टिकुलर टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उनमें अपन कौन कौन सी प्रोटेक्शन टेक्निक यूज कर रहे हैं उनको अपन कैसे रेगुलेट कर रहे हैं और अपना रेगुलेशन अपन देख रहे हैं कि अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको अपन मेडिकल साइंस में कैसे देख सकते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है साइकोलॉजिकल वे में। तो ये देख रहे हैं स्किन टेम्परेचर एंड बॉडी टेम्परेचर। फिर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि स्किन जो हमारी स्किन होती है उसमें मेनली कितनी लेयर होती है तीन लेयर होती है कौन कौन सी तीन लेयर होती है जो अपनी स्किन होती है वो तीन लेयर से बनी होती है कौन कौन सी एपिडर्मिक डर्मिक एंड हाइपोडर्मिक। तो तीन टाइप की लेयर होती है अपनी स्किन के ऊपर जो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे स्किन के थ्रू तो स्किन के तीन लेयर होंगे कौन कौन से एपिडर्मिक डर्मिक और हाइपोडर्मिक। फिर लास्ट लाइन में बोल रहा हूँ कि स्किन टेम्परेचर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी स्किन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का किस तरीका क्या होता है टी स्किन होता है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। उसके बाद भी एरर जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है वो सडनली अगर
क्यों यूज कर रहे हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब इसको क्यों यूज किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में मतलब इसके मेन पर्पज क्या क्या है, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज हो सकते हैं। अब ये जितने भी पूरे सार पड़ा है इस सार को मैं इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगा कि किसी भी बॉडी का पूरा स्किन टेम्परेचर अपन कैसे मेजर करते हैं। देखो ये मैंने ग्राफ बना रखा है किसके बीच में, अपने जो भी स्किन का जो ब्लड होगा उसके बीच में मैक्सिमम 100% तक जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा नहीं। देन यहाँ पे एक्सेल मैंने कैड होकर रखा है, एक्सेल मतलब इंटरनल टेम्परेचर। तो मैं ब्लड वर्सेस टेम्परेचर के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि अपने जो अपना शरीर का जो ब्लड होता है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, तभी तो उनको पता लगेगा अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उसे पर्टिकुलर सेंस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है कि यहाँ पे अपना लेफ्ट शिफ्ट होगा कनेक्टेड होगा, बीच में कंट्रोल डिवाइस होगी, देन साइड में क्या होगा राइट शिफ्ट होगा। तो मैं इधर की बात करती हूँ कि लेफ्ट शिफ्ट के अंदर क्या होगा, स्किन टेम्परेचर कनेक्टेड होगा, एक पॉइंट स्किन टेम्परेचर होगा, उस पर जैसे हम टिक करेंगे तो अपना स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंट्रोल के थ्रू, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दो वाल्व होंगे, अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होगा, उसके लिए स्किन टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है लेफ्ट साइड के अंदर क्या बढ़ेगा, स्किन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसके लिए पर्टिकुलर मॉर्निंग में अपन देख सुबह का अपन टाइम मेजरमेंट फिक्स करके रख देंगे कि मॉर्निंग है, मॉर्निंग में हमने इतने बजे इतना टेम्परेचर मेजरमेंट किया था और टेम्परेचर क्या था हमेशा इंक्रीज होगा। फिर एक्सरसाइज ट्रेंडिंग, अपन ने कितनी एक्सरसाइज करी है, अपन अपने शरीर को कितना एक्सरसाइज करवाते हैं उससे भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मूवमेंट करता है। अगर अपनी बॉडी मूवमेंट करेगी तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है इंक्रीज करेगा। देन हीट, जैसे अपनी बॉडी को अपन कोलिजन करेंगे या फिर अपन मूवमेंट करेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट के कारण भी अपने क्या होता है टेम्परेचर जनरेट होता है, बॉडी टेम्परेचर जाएगा। जनरली अपन देखते हैं कि अपने फीवर आ जाता है तो अपन देखते हैं कि जो भी अपन डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अपने वो थर्मामीटर के थ्रू अपन चेक करते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वो हीट ही तो होती है, हीट कितनी एक्यूमुलेट हो रही है, आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है, तो वो सब चीज़ें ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी किए गए टेम्परेचर ये हैं। फिर फोलिकुलर फेज होता है, एक पर्टिकुलर फेज होता है, इन सारे पैरामीटर को कैलकुलेट करने के बाद कि आपने हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, आपने एक्सरसाइज कितनी करी है, देन सुबह के टाइम मॉर्निंग शिफ्ट में आपने कितनी हीट प्रोड्यूस करके कितना टेम्परेचर मेजरमेंट किया, मॉर्निंग के टाइम हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद अपन राइट शिफ्ट में चलते हैं, इधर से कंट्रोल करके राइट शिफ्ट में आएगा, राइट शिफ्ट में सेम पैरामीटर होंगे, स्किन टेम्परेचर हमेशा सुबह ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉर्निंग के टाइम ज्यादा होता है, इवनिंग के टाइम डिक्रीज होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है कि स्किन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टाइम है अपन कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, इवनिंग की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग में तो कैलकुलेट कर चुके हैं, मेजर कर चुके हैं, अब इवनिंग में कैलकुलेट करें तो टेम्परेचर हमेशा रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इन सब का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट में थोड़ा सा एक्सरसाइज इंटेंसिटी होगी, उसके बाद डिहाइड्रेशन होगा, ये अपने पास क्या ल्यूटियल फेज होगा। ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो स्किन टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के काम आते हैं। तो स्किन या फिर बॉडी का जो टेम्परेचर अपन कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि स्किन टेम्परेचर क्या होता है, जो अपनी बॉडी का जो आउटर सरफेस होता है उस पर जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है उसको अपन स्किन टेम्परेचर बोलते हैं। स्किन टेम्परेचर में तीन लेयर होती है, कौन कौन सी मैंने बताया आपको, डिहाइड्रोलिक हाइड्रोलिक, ऐसे इसमें तीन फंक्शन होंगे, कौन कौन से वो मैंने बताया, उस फंक्शन के थ्रू कैसे काम करते हैं। फिर मैंने बताया कि इसका पर्टिकुलर बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड का मतलब उसमें स्किन सरफेस के थ्रू उसमें वेरिएबल कनेक्टेड होंगे, देन वहां से टेम्परेचर अपन कोरिलेट कर पाएंगे। देन ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से टूल यूज कर रहे हैं, क्या क्या अपन मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर के अलावा अपन प्रेशर भी कर सकते हैं, ब्लड फ्लो भी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कितना वो है। फिर अपने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया किसकी किसकी डायग्राम बना हुए कि अपने पर्टिकुलर बॉडी का ब्लड कितना फ्लो रहा है टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर एक्चुअली अपन को मेजर करना है, टेम्परेचर से ही अपन ब्लड मेजर चेक कर पाएंगे, उससे अपन प्रेशर चेक कर पाएंगे, उससे अपन अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना मेजरमेंट हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्किन एंड सिस्टमेटिक बॉडी टेम्परेचर। थैंक यू।